हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दिस इज आयुष और आपका स्वागत है टुडे स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दिस इज पार्ट ऑफ एसएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल। ओके, जो हमारा जेके का मॉक टेस्ट है एमटीएस और आपका दिल्ली पुलिस एज वेल एज आपके हर एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो मॉक टेस्ट पांचवा है और ये पीवाईक्यूज है। क्या है ये? पीवाईक्यूज है, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ने से पहले, ये हम चाक्षु पब्लिशिंग की तरफ से एसएससी के लिए बुक्स लाए हैं। ये है गाइड बुक और ये है प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है। क्या है ये है गाइड बुक, ये है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 7 मॉडल पेपर मिलेंगे, सॉल्व पेपर, और 2150 से भी ज्यादा क्वेश्चन होंगे इसमें। और ऑनलाइन पैटर्न जैसा होता है ना आपका, जैसे आप कंप्यूटर में पेपर देते हैं ऑनलाइन पैटर्न बेस्ड, बिल्कुल वैसे ही पेपर होंगे इसमें। इसमें क्या होगा, आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट दे रखे होंगे जिनकी आप बार बार एग्जाम्स में तैयारी कर सको। और ये स्टडी गाइड है, इसमें चैप्टर वाइज होता है ना, इसमें क्या होता है चैप्टर वाइज होता है, रीजनिंग का, मैथ्स का। ये आपको गाइड करता है कि हाँ आपको कौन से सब्जेक्ट, कौन से चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए। ये भी न्यू पैटर्न के हिसाब से, इसमें भी 200 पेपर्स हैं और इसमें भी 2150 से भी ज्यादा क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जनरल इंग्लिश है, जीके जीएस है, और आपका रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स है, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका एसएससी की तरफ से है, सॉरी चाक्षु पब्लिशिंग की तरफ से है, एसएससी के लिए क्या है ये है आपका प्रैक्टिस पेपर सेट्स, ठीक है। इसमें 15 तो प्रैक्टिस पेपर सेट्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए 15 है, पूरे 15, 1 से लेके 15 तक। और बाकी जो ये शिफ्ट अलग अलग के पेपर है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। ये लगाएंगे तो आपको एक जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा गाइड मिल जाएगा कि हाँ पेपर कैसा आता है, और फिर उसके बाद ये लगाइए तो आपका रिजल्ट जो है एकदम 100% प्रॉपर आएगा। चलिए ये देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे लगा रखा है यहाँ पे, 2021 का है, 7 अक्टूबर को हुआ था, है ना, 7 अक्टूबर को ये हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, पनामा नहर जोड़ता है। आप सबको मालूम है पनामा नहर किसको किससे जोड़ता है? अगर नहीं मालूम है तो आपको पता चल गया, अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। महासागर जो अटलांटिक महासागर है और प्रशांत महासागर, इन लोगों को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है इसमें से स्टेटमेंट है वो सही है, करेक्ट है एकदम। यही कि जो सोडियम क्लोराइड है वो एक समतुल्य और जबका आणविक भार समान होता है ना, जो इक्विवेलेंट वेट है और मॉलिक्यूलर वेट है इसका समान बराबर होता है, या फिर आपका जो हाइड्रोजन सल्फेट है यानी H2SO4, मैं केमिकल से सीधा नाम बोल रहा हूँ, आपका केमिस्ट्री मतलब केमिकल फॉर्मूले में नहीं बोल रहा हूँ। H2SO4 का मतलब होता है हाइड्रोजन सल्फेट, कैल्शियम का आपका कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी वो तो CO3 होता है, और ये आपका आ जाता है सोडियम सल्फेट, ठीक है। ये क्या है? सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फेट और आपका कैल्शियम क्लोराइड। हाँ, अब याद आया मुझे, कैल्शियम क्लोराइड। तो इनमें से जो एकदम सही आंसर है वो है क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन नंबर 1, इन दोनों का जो वजन होता है वो एकदम समान रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या कहा जाता है? ये मैंने क्वेश्चन आपको करा रखा है तो इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, आर्टिकल्स है ना, ये भी क्वेश्चन कराया मैंने कि हाई कोर्ट को जो अधिकार देता है किस चीज के लिए, रिट जारी करने के लिए, तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 226 है ना, आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल नंबर 226। और जो रिट्स होते हैं इनका मतलब होता है कि किसी चीज की बॉडी होती है, जैसे कि एक होता है हैबियस कॉर्पस एंड टू हैव द बॉडी ऑफ ऑर्डर, तो एक तरह से ऑर्डर इशू करा जाता है, बस रिट्स का मतलब ये होता है कि ऑर्डर इशू करना, मैंडम मस्ट बी कमांड सेरेटोरी टू बी सर्टिफाइड, प्रोहिबिशन टू फॉरबिड, को वारंट बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, ऐसे कुछ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जनवरी 2022 में, मैं आपको लिखवा ही देता हूँ यहाँ पे, है ना, रिट्स 4 होते हैं। पहला तो ये है बस, मैं आपको लिखवाई देता हूँ ताकि आपको ज्यादा इधर उधर भागा दौड़ी ना करना पड़े। हैबियस कॉर्पस, ऑप्शन नंबर 2 मैंडमस, मैंडमस,
ऑप्शन नंबर थ्री आपका सर टियोरी, सर टियोरी ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सॉरी रेड नंबर फोर क्या है, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन एक मिनट, बस एक मिनट रुकिए मैं लिखवा दूं प्रोहिबिशन ओके। और रेट नंबर फाइव क्या है, कोवरंटो, कोवरंटो ठीक है। ये कुछ है हेबस का, वापस का ही मतलब होता है जो आपका हैव द बॉडी ऑफ, मेंडेमस का मतलब होता है कमांड, सेट्रोरी का मतलब जो होता है सर्टिफाइड करना, प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी चीज को रोकना फॉरबिड करना, कोवरंटो का मतलब होता है किसी के खिलाफ वारंटी करना या अथॉरिटी लेना ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर बढ़ जाते हैं हम। जनवरी 2022 में भारत के पहले रॉक म्यूजियम जो इनोग्रेट हुआ था, भारत का पहला कहाँ पे था, हैदराबाद में है ना। अब ये हैदराबाद अगर आ जाए आपका तो हैदराबाद कौन सा आ जाएगा, आंध्र प्रदेश ठीक है, कौन सा, आंध्र प्रदेश, ये चीज याद रखना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर छह की ओर। अब 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो है पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ ट्रबल पॉपुलेशन, आदिवासी आबादी नहीं है, आदिवासी जो है आदिवासी आबादी जो है नहीं है बिल्कुल भी। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है जिसमें आदिवासी आबादी नहीं है। चलिए इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हरियाणा है ना, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर सात, खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था, ये करा था अली ब्रदर्स यानी अली बंधु ने। क्वेश्चन नंबर आठ, हरित क्रांति, हरित क्रांति जो है किस लिए थी, अब देखिए रेवोल्यूशन हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन, यहाँ पे ग्रीन टाइपिंग से मिस्टेक टाइपिंग हो गई होगी, ग्रीन यहाँ मैं लिख देता हूँ। अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या किसी जमीन को बढ़ाने का मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन होगा, जमीन तो भूरे कलर की होती है, क्या किसी जो अनाज होते हैं उनका एक्सपोर्ट करना, कैश क्रॉप कल्टिवेशन नहीं। क्वेश्चन इसका आंसर है ऑप्शन नंबर चार, कि जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स की हाई यील्डिंग वैरायटीज के थ्रू, जो एच वाई वी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड जो निकली थी ना, आपको ये टेंथ में पढ़ाया हुआ है, ये था ग्रीन रेवोल्यूशन का मेजर पार्ट, जो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसका मेजर पार्ट था कि फसलें अच्छी उगे, ताजी उगे और जल्दी उगे है ना, जिसमें पोषण ज्यादा हो। क्वेश्चन नंबर नौ, अब विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेट वैष्णव संत रिफॉर्मर ऑफ असम महापुरुष शंकरदेव। अब देखिए ये जो नाम है इसको आप याद रख लीजिएगा, और ये जो क्वेश्चन है इसका ये आखिरी फॉर्म है ना, ये जो है आखिरी फॉर्म है, अब यहाँ पे दो है डांस जो है, दो है असम से रिलेटेड, बाकी सारे नहीं है, तो इसका आंसर है सत्रिया, और यही इसका आंसर है, और ये इसका लास्ट फॉर्म है जिस जो भी एकदम हार्ड बना के ये पूछ सकता है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार पेपर में आया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, ओलिगोपोली क्या होती है, अल्पाधिकार क्या होते हैं, जहाँ पे विक्रेता तो कुछ ही होते हैं लेकिन खरीदार जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे खरीदार होने से क्या होता है, जो विक्रेता होते हैं वो अपने हिसाब से प्राइस को यानी मूल्य को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अब जो उड़ान योजना का पूर्ण रूप है वो क्या है, उड़ान योजना का पूरा रूप क्या है, उड़े देश का आम नागरिक, ये है उड़ान योजना। क्वेश्चन नंबर 12, शहीद परवेज किससे संबंधित है, सितार से। क्वेश्चन नंबर 13, लोसर फेस्टिवल, अब लोसर फेस्टिवल देखते ही अरुणाचल प्रदेश आंसर लगाना है और ज्यादा कुछ करना नहीं।
और एक चीज में याद रख लेना कि ये मोनपा जो आदिवासी लोग हैं, मोनपा जनजाति हैं, उनके द्वारा मनाया जाता है। अब भारत ओपन 2022 टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता था लक्ष्य सेन ने। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने, जो राजा राम मोहन रॉय जी थे, तो किसकी करी थी? बंगादत्त जो थी उस न्यूज़पेपर की इन्होंने शुरुआत की थी। ये कब पब्लिश हुआ था? 1822 में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। एक मिनट रुकिए, कलकत्ता में हुआ था ये, है ना? कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, महाद्वीप स्थान सिद्धांत किसके द्वारा की गई थी? कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो ये दी गई थी अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, डेंगू का रोगजनक क्या है? क्या है ये? वायरस है, बैक्टीरिया, ये विषाणु है। बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया होता तो इतना टेंशन नहीं देता, ये वायरस है, इसलिए डेंगू होने पर इंसान की हालत खराब हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्र भारत में नियोजन का विचार कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया था बॉम्बे प्लान से। क्वेश्चन नंबर 19, 2022 में, फरवरी 2022 में एक कमीशन परम्परेगा जो है इन्होंने इंस्टॉल करा था, सबसे सुपरफल कंप्यूटर है हमारी कंट्री का, तो ये किसने करा था? ये करा था IIT आपका सर, IISc बैंगलोर ने। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस दुनिया के कॉफी पोर्ट के रूप में जाना जाता है? किस दुनिया को जाना जाता है? सैंटोस को, है ना? किसको जाना जाता है? सैंटोस को। क्वेश्चन नंबर 21, मयूरभंज छाऊ, अब देखिए ये जो छाऊ है यहाँ पे आपको ऐसे ही दे रखे हैं, मैंने याद है आपको एक बार क्वेश्चन कराया था कि छाऊ कहाँ कहाँ मनाया जाता है ना? तो वहां पे थे एक तो था उड़ीसा, एक था झारखंड, और आपका जो तीसरा था वो क्या था? तो वो था वेस्ट बंगाल, ठीक है? क्या था वो? वेस्ट बंगाल, मैं भी भूल गया, थोड़ा सा अभी भी याद आया, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल। देखो यहाँ पे उड़ीसा दे रखा था, इसका आंसर लगा के, और मैंने इसके बारे में पूरा बताया भी था कि हाँ मयूरभंज होता है, झारखंड में सरकेला छाव बनाते हैं, वेस्ट बंगाल में पुरीला छाव बनाते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक, मनी बिल कौन सा करता है? आर्टिकल 110। क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा के निवासी निम्न में से किससे संबंधित थे? तो ये थे कांस्य युग से, ब्रोंज एज से भी उससे थे। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपके लिए बहुत दिनों बाद लेके आया हूँ कि हाँ कौन सी कंट्री के बीच कौन सी लाइन होती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितनी मुझे अभी पता है मैं आपको बता दूं, यहीं पे लिख दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन ना पुराना हो गया है, ये क्वेश्चन अब आता नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चे को मालूम है, जो ये क्वेश्चन है ये हर एक बच्चे को मालूम है, तो ये जो है ये थोड़ा सा पुराना हो गया है, प्लस अब ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। इंडिया और पाकिस्तान की जो लाइन है उसे कहते हैं 24th पैरेलल, और इसी लाइन को हम कहते हैं मैकमोहन लाइन, है ना? आपकी जो इंडिया और चाइना के बीच की मैकमोहन लाइन है, हाँ रेड क्लिफ लाइन, अब याद है इस लाइन को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, ठीक है? ये क्वेश्चन अगर आपको कोई टीचर कराता है और इससे रिलेटेड कोई टीचर क्वेश्चन कराता है तो वो आपको बहुत पुराना पढ़ा रहा है। मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है आप कहेंगे, लेकिन ये देखिए मैं कि कब लाया हूँ इसे, मैं इसे एक छोटा सा लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको ना इकट्ठे ही बहुत सारा वो करवा देना है पेन, तो यहाँ पे हम लिख, यहाँ आधा आधा कर लेते हैं, यहाँ पे लाइन लिख देंगे, ठीक है? और यहाँ पे लिख देंगे कौन से कंट्रीज के बीच में है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है उनके बीच में है आपका डुरंड लाइन, जो डुरंड लाइन है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, और अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में भी है, अफगानिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, डुरंड लाइन है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन। इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी लाइन है? चाइना
ये है आपका, यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ 1 2, और यहाँ पे भी नंबर लिख देता हूँ बाई चांस अगर आपको दिक्कत हो, ये 3, तो यहाँ पे भी ये 3। इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है उसको कहते हैं मैकमोहन लाइन। ओके, क्या कहते हैं इसे? मैकमोहन लाइन। ऑप्शन कोज, और चौथा क्या है? जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस की लाइन जो है उसे कहते हैं सेग फ्रेड लाइन। ठीक है, कौन सी लाइन है? सेग फ्रेड लाइन। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी पांचवा कौन सा है? नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में जो लाइन है उसे कहते हैं 17th parallel, उसका यही नाम है 17th parallel। पांचवा यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली कौन सी है? इंडिया और आपका पाकिस्तान के बीच में। ओके, और एक मिनट रुकिए बस, और लिखवा देता हूँ, है ना, और लिखवाना ही पड़ेगा मुझे। छठी है, यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा करके लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सॉरी छठा कौन सा है? लिबिया, लिबिया और आपका सूडान, और आपका सूडान लिख देता हूँ। सूडान के बीच में जो लाइन है वो है 20th parallel लाइन। ठीक है, 20th parallel लाइन। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी ऑप्शन 7वां कौन सा है? इजिप्ट, बार बार क्वेश्चन निकल रहा है। इजिप्ट और सूडान के बीच में जो लाइन है, इजिप्ट और सूडान के बीच में जो लाइन है वो है 22nd parallel नॉर्थ, ये पूरा नाम है इसका। ठीक है, 8वां कौन सा है? कि यूएसए और कनाडा के बीच में, यूएसए और कनाडा के बीच में जो लाइन है, कनाडा के बीच में जो लाइन है उसको उसका नाम है 49th parallel। ओके, और अब यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ये 10वां है, कौन सा? फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो है, ठीक है, जो मैंने ऊपर करवाया था ना आपको जर्मनी और फ्रांस वाला, वो जर्मनी और फ्रांस का है, लेकिन ये फ्रांस का जर्मनी के साथ है, ये बाउंड्री लाइन है, और ये जो लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन है ना, ये जो लाइन है जर्मनी और फ्रांस की, ये वाली, ये फोर्टिफिकेशन की लाइन है, यानी ये सुधार की लाइन है, फोर्टिफिकेशन। हिंदी में आपको एकदम सरल अर्थ बताता हूँ, एकदम करेक्ट मीनिंग जिसे कहते हैं, किलेबंदी वाली जो रेखा है ना, जैसे किलेबंदी वाली रेखा कहते हैं, फोर्टिफिकेशन वो वाली है, और ये वाली नॉर्मल लाइन है, तो इसका नाम क्या है? मैगिनोट, मैगिनोट लाइन नाम है इसका। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 10 लाइन है पूरी। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे इसे पोस्ट कर दूंगा एकदम टाइपिंग करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 जो है, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में जो है अपनी पहली फैक्ट्री शुरू करी थी? तो वो थी जहांगीर के परमिशन से। चलिए, आज के हमारे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, कोई डाउट हो या फिर आपको क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज बताना। आप बताते नहीं हो, और मुझे नहीं लगता ऐसा कि हाँ आप वैसे बच्चे हो जिसे सब कुछ समझ में आ जाता होगा। ओके, तो एक बार शेयर कर देना, ठीक है, जरूर शेयर करना, आपके सपोर्ट की जरूरत है जो कि आप करते नहीं हो। बाकी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा जो भी न्यू स्टूडेंट है, और टेलीग्राम पे आपको उसका PDF मिल जाएगा, ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अब बाकी कल मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। और आप बुक्स भी चेक कर सकते हैं चाक्षु पब्लिकेशन की तरफ से, SSC के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए बहुत अच्छी बुक्स हैं, गाइड भी और बुक्स भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।